नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज़ भारत। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, अरविंद केजरीवाल ने सारा दोष मनीष सिसोदिया पर डाला। शराब नीति केस में सीबीआई का कोर्ट में बड़ा दावा। दिल्ली की शराब नीति के मामले में जांच कर रही सीबीआई ने बुधवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद उन्हें दिल्ली की राव जाए कोर्ट में पेश किया गया। सीबीआई ने केजरीवाल की 5 दिन की कस्टडी मांगी है। इतना ही नहीं, सीबीआई ने कोर्ट में दावा किया कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली शराब नीति के मामले में सारा दोष मनीष सिसोदिया पर डाल दिया। सीबीआई के मुताबिक केजरीवाल ने कहा कि उन्हें आबकारी नीति के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। दिल्ली शराब नीति के मामले में जांच कर रही ईडी ने 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। अब इस मामले में जांच कर रही सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने कोर्ट में कि हमें केजरीवाल से हिरासत में लेकर पूछताछ की जरूरत है। वह ये भी नहीं बता रहे हैं कि विजय नायर उनके अधीन काम कर रहे थे। सीबीआई के मुताबिक केजरीवाल का कहना है कि विजय नायर आतिश मारलेना और सौरभ भारद्वाज के अधीन काम कर रहे थे। केजरीवाल के वकील ने गिरफ्तारी पर उठाए सवाल। इस पर केजरीवाल के वकील विक्रम चौधरी ने सबसे पहले अदालत को यह देखना होगा कि क्या गिरफ्तारी की जरूरत थी, इसके साथ ही यह भी देखना होगा कि क्या रिमांड की जरूरत है। विक्रम चौधरी ने कहा कि सीबीआई चाहती है कि केजरीवाल हिरासत में ही रहे। आपको बताते चले, केजरीवाल ने कहा कि चुप रहने का अधिकार है। विक्रम चौधरी ने कहा कि जांच अधिकारी को ठोस सबूत के जरिए यह साबित करना होगा कि केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे। जो उन्हें कोर्ट में सुनवाई के दौरान केजरीवाल की अचानक तबीयत भी बिगड़ गई, उनका अचानक शुगर लेवल डाउन हो गया। इसके बाद उन्हें दूसरे रूम में बिठाया गया, उन्हें चाय और बिस्किट दिया गया। कोर्ट रूम में उस वक्त सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल भी मौजूद।